हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक गुरु। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। सो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से समझी है तो दिस वीडियो गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू, बट अगर नहीं समझी है तो प्लीज गो एंड चेक इट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और एक जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका ये लास्ट वीडियो है। सो इसे स्टार्ट से लास्ट तक आप देखो। और कुछ वीडियोस और मैंने पोस्ट किए थे इस सीरीज में, तो आप उन वीडियोस को भी एक बार जाके चेक कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बीच में मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज करूँ जो आपको समझ ना आए, उससे बेटर है कि आप पहले से उन टर्म्स को सीख लो, जान लो, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करो। तो उन वीडियोस को भी एक बार प्लीज चेक करो, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्बिटल शेप्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन को दिखाया मैंने। तो प्लीज उन वीडियोस को भी एक बार चेक कर लेना। उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच इट। इस वीडियो में भी हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डील्स करेंगे, लाइक आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे टॉपिक्स हम डील करने वाले हैं अभी, सो स्टे ट्यून्ड विद बायोटेक गुरु। So let's start with types of bond. Organic compounds normally contain two types of bonds. मतलब organic compounds जितने भी present है इस world में, उन सब में दो तरह के ही bond पाए जाएंगे। पहला सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किस किस तरह के compounds में पाए जाएंगे, we will discuss first. A carbon-carbon sigma bond can be formed by overlapping of two sp3 sp2 और sp hybridized orbital of carbon atom। मतलब जब दो sp3 या दो sp2 या दो sp hybridized overlap करते हैं, मतलब दो hybridized orbital overlap करते हैं कार्बन के, उस टाइम क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब sp3 sp2 और sp को हम अलग अलग करके देखते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं sp3 की। तो इसके अंडर क्या फॉल होगा, जितने भी अल्केन्स हैं या साइक्लो अल्केन्स हैं। अल्केन्स क्या होते हैं, वैसे कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सारे अल्केन्स जो हैं उन सब में किस तरह का बॉन्ड पाया जाएगा, तो वी विल फाइंड सिग्मा बॉन्ड, उन सब में सिग्मा बॉन्ड होगा। और वैसे अल्केन्स जो कि साइक्लिक फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्केन्स बोलेंगे। तो वो जो साइक्लो अल्केन्स होंगे, उनके अंडर में जितने भी कंपाउंड आएंगे, उसमें भी जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। और किस तरह का सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो sp3 कार्बन ओवरलैपिंग वाला सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल यहां देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इथेन लिया है, एक इथेन कंपाउंड लिया जिसमें दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम पहले कार्बन वाले इसकी बात करें, तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरा भी जो कार्बन है वो भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और जब एक sp3 दूसरे sp3 के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो बॉन्ड ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा था sp3 ओवरलैपिंग का, तो हमने यहाँ पे देखा इथेन का एक एग्जाम्पल लेके, और इसका एग्जाम्पल्स क्या है, अल्केन्स हो गए और साइक्लो अल्केन्स हो गए, ठीक है। नाउ सी sp2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें क्या आएगा, तो जितने भी अल्कीन्स हमारे हैं, जितने भी अल्कीन्स हैं, अब अल्कीन्स क्या होते हैं, तो वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जितने भी अल्कीन्स होते हैं वो कैसे सिग्मा बॉन्ड कंटेन करते हैं, तो sp2 कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड कंटेन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ है इथीन का, क्या है ये इथीन, इसमें दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर यहां बात करें हम, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो जब एक हाइब्रिडाइजेशन sp2 और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 ओवरलैप करेगा, तो यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं, तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालने आता है, तो प्लीज गो एंड चेक प्रीवियस वीडियो, मैंने उसमें डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब लेट्स सी विथ अल्काइन्स, हम अल्काइन्स को देखते हैं। तो अल्काइन्स किस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें दो कार्बन के बीच देयर आर 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, दो कार्बन के बीच 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहां पे एग्जांपल ले लो किसका, तो इथाइन का,
किसका एग्जांपल हमने लिया है, इथाइन का। इसमें दो कार्बन ओवरलैप कर रहा है, तो अगर इस कार्बन को हम देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन का जो अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन तो इट इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। सो एक sp और एक sp जब ओवरलैप करेंगे तो यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकता था। पहला तरीका था कि sp3 हाइब्रिडाइज और वाइटल ओवरलैप करे तो फॉर्म हो सकता था, उसका एग्जांपल अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स था। दूसरा तरीका था कि sp2 और sp2 कार्बन वाले और वाइटल ओवरलैप करे, तो इसका एग्जांपल क्या था, अल्कीन्स था। और थर्ड वे था कि sp और sp कार्बन हाइब्रिडाइज्ड और वाइटल ओवरलैप करे, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, अल्काइन्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड देखते हैं यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी आर ऑर्बिटल, मतलब जितने भी हमारे पाई बॉन्ड हैं वो किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है साइड वे ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन जनरली जो होता है हमारा इस तरीके से, जैसे एक ये हाइड्रोजन एटम था और ये एक था, इस दोनों का हेड यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। लेकिन इसी कंपाउंड में अगर देखो तो ये एक ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, और ये क्या कर रहे हैं, इनके हेड नहीं मैच कर रहे, इनके हेड ओवरलैप नहीं कर रहे, इनके साइड वाइज पार्ट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको अच्छे से डील किया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो आप जाकर चेक कर सकते हो। सो पाई बॉन्ड जनरली क्या होता है, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जब दो पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, लेटरल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड दो तरीके से फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड दो तरीके से फॉर्म होता है। पहला क्या है, तो पाई बॉन्ड जब दो sp2 और sp2 कार्बन क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, अल्कीन्स आएंगे। बिल्कुल यही आप फिगर देख लो, ये वाली फिगर देख लो कि अल्कीन्स इसमें देख रहे हो, मैंने उस टाइम इस ओवरलैपिंग की बात की थी जब मैं सिग्मा बता रही थी, लेकिन पाई वाले में अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम ये वाले ऑर्बिटल को देखेंगे, हम इस वाले ऑर्बिटल को देखेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल को अगर आप देखते हो तो देख रहे हो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल बिल्कुल साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, इसका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। और इस तरह का ओवरलैपिंग जब होता है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अल्कीन्स हो गया। तो अल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड आपने देखा, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरा मतलब दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, किस में, अल्कीन्स में। उसी तरह से दूसरा रास्ता है क्या पाई बॉन्ड फॉर्म करने का, तो sp कार्बन ओवरलैप कर जाए, मतलब ये वाली चीज अल्काइन्स वाली चीज। तो अल्काइन्स में क्या होगा, देख लो यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, इसका एक यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो अल्काइन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो अल्काइन्स में दो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करो, सिग्मा और पाई में बात करें तो जितने भी अल्केन्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ, जितने भी अल्केन्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी अल्कीन्स हैं, जितने भी अल्कीन्स हैं उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। दो कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। और अगर अल्काइन्स की बात करें, अगर अल्काइन्स की बात करें तो दो पाई बॉन्ड और एक बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। और किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है यहां पे आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। नाउ सी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखते हैं। सिंस पी ऑर्बिटल इज मच बिगर, क्योंकि हमने देखा है कि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल सर्कुलर शेप का, और जो
प्योर वाइटल होता है, वो डम्बल शेप होता है और बहुत बड़ा होता है साइज में. देन एस ऑर्बिटल ऑफ सेम शेल, देयर फॉर वी गो फ्रॉम, मतलब बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो sp3 जो होगा वो क्या होगा, sp3 सबसे बड़ा होगा, sp2 उससे छोटा होगा और sp उससे भी छोटा होगा. मतलब जैसे जैसे पी कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, पी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, पी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी छोटे हो जाएंगे. जैसे आप सोचो ना, एक sp है और तीन पी है, एक sp है और तीन पी है, मतलब सपोज कर लो कि सब एक एक सेंटीमीटर का है, ये भी एक सेंटीमीटर का, ये भी एक सेंटीमीटर का है, तो इस तरह का एक है यहाँ और पी वाला तीन है, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर हो गए ना. इसमें देखे तो 1 सेंटीमीटर और ये 2 है, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गए और इसमें 2 सेंटीमीटर. तो जैसे जैसे पी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पी जो ऑर्बिटल होता है वो बिगर साइज में होता है किससे, एस ऑर्बिटल के. ठीक है, सो पी sp3 sp2 एंड sp, द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर फ्रॉम, अब कैसे कैसे भाई देख लो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कैसे डिक्रीज होता है, मैंने ये सारा बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप एक बार प्लीज जाके वो वीडियोस भी चेक कर लेना कि कैसे पी परसेंटेज निकलता है, कैसे एस परसेंटेज निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पे पी का परसेंटेज कितना है, 75 है, यहाँ पे कितना है इसका बॉन्ड में, तो 66.7 है, इसमें 25% है. द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज इन द सेम मैनर, जिस तरीके से पी कैरेक्टर का परसेंटेज डिक्रीज होते जाता है वैसे वैसे कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होते जाता है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डर देख लो, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ का sp3 का सबसे ज्यादा होगा, sp2 का सबसे उससे sp3 से कम होगा और sp का सबसे कम होगा. कितना होगा, तो sp3 का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रम होता है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है. sp2 का कितना होगा, तो 1.34 एंगस्ट्रम होगा, 1.34 एंगस्ट्रम होगा. और sp का कितना होगा, तो 1.20 एंगस्ट्रम होगा. मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में कितना होगा, देखो यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड वाले में 1.34 एंगस्ट्रम एंड थर्ड वाले में sp वाले में 1.20 एंगस्ट्रम. ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया. अब यहां देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, तो शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ. जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, मतलब जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही स्ट्रांग उसका स्ट्रेंथ होगा, उतना ही वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा. ठीक है, जैसे अगर sp की बात करें, अगर sp की बात करें तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको तोड़ने के लिए आपको कितना लगाना पड़ेगा, देखो एनर्जी 121 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी लगाना पड़ेगा आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. उसी तरह से sp2 के लिए कितना एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, तो 106 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है, sp3 के लिए 98.6 किलो कैलोरी पर मोल. मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है. यू कैन से कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, बॉन्ड स्ट्रेंथ से. जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाता है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब चीज अच्छे से यहाँ पे दिखा दिया है. sp3 ये हाइड्रोजन का था. ठीक है, और दो कार्बन कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 200 किलो कैलोरी पर मोल. और sp2 कार्बन के बीच में कितना होगा, तो 142 किलो कैलोरी पर मोल. और कार्बन कार्बन sp3 अगर हुआ तो उसका कितना होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो 80-85 किलो कैलोरी पर मोल होगा. ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ नोट है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा सिग्मा बॉन्ड से. ठीक है, नाउ सी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम. अब टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 4 तरह के कार्बन एटम होते हैं. सबसे पहला है प्राइमरी कार्बन, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी एंड फोर्थ इज क्वार्टरनरी. ठीक है, इनके और भी नाम है जैसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन या 4 डिग्री कार्बन. अब सबसे पहला देखते हैं हम कि प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं. तो प्राइमरी कार्बन इज अ बॉन्डेड
टू ईदर वन मोर कार्बन एटम, वैसे कार्बन जो सिर्फ, वैसे वन डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं, वैसे कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब अगर हम ये कंपाउंड देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड और खाली है, एक बॉन्ड यहां और खाली है और ये सिर्फ एक और कार्बन एटम के साथ यहां अटैच हो सकता है। तो इस तरह के हम कार्बन को क्या बोलेंगे, वन डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड हमारा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन इज बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन, वैसे कार्बन कंपाउंड, वैसे कार्बन कंपाउंड जो दो और कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब ऐसा कंपाउंड, कुछ इस तरह का कंपाउंड जिसमें दो बॉन्ड पे हाइड्रोजन हो और दो बॉन्ड खाली हो और इन दोनों बॉन्ड पे वो क्या कर सकता है, कार्बन अटैच कर सकता है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे या टू डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम थ्री डिग्री कार्बन, तो थ्री डिग्री कार्बन कैसा होगा, तो थ्री डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन को अटैच कर सकता है खुद से। मतलब ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ हो लेकिन अभी भी तीन बॉन्ड क्या हो, वैकेंट हो, देयर आर थ्री वैकेंट बॉन्ड और उन तीन वैकेंट बॉन्ड पे कार्बन अटैच हो सकता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं। इस तरह के एटम, कार्बन एटम को हम टर्शरी कार्बन या थ्री डिग्री कार्बन बोलते हैं। और वैसा कार्बन कंपाउंड, वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें चारों का चारों क्या हो, कार्बन के लिए वैकेंट हो, मतलब चारों जो वैलेंसी हो वहां पे आराम से कार्बन कार्बन अटैच हो सकता है, ये चारों का चारों वैकेंट था फॉर कार्बन, तो इस तरह के कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी कार्बन एटम और फोर डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, तो इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच है, तो इसके पास कितने बॉन्ड खाली है, सिर्फ तो एक बॉन्ड खाली था और उस बॉन्ड को इसने दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर लिया, इसलिए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, वन डिग्री कार्बन बोलेंगे। उसके बाद अगर हम इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को, तो इसका चारों बॉन्ड जो है वो अदर चार कार्बन एटम के साथ अटैच है, चार कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम फोर डिग्री कार्बन बोलेंगे। फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है और ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इसे वन डिग्री कार्बन बोलेंगे या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। फिर ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, वन डिग्री की तरह ही है। इसको देखो तो यहाँ पे ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है लेकिन दो बॉन्ड इसके खाली थे और उन दो बॉन्ड पे कौन आके अटैच हो गया, कार्बन अटैच हो गया, इसलिए इसको हम टू डिग्री या सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे थ्री डिग्री में है, देख लो यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है लेकिन इसका तीन बॉन्ड वैकेंट था, तीन जो बॉन्ड बनाने का इलेक्ट्रॉन था वो वैकेंट था और उन तीनों पे क्या है, कार्बन आके अटैच है, इसलिए इसको हम टर्शरी कार्बन या थ्री डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया टाइप्स ऑफ कार्बन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर करो क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्यूशन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाओ। और अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी बहुत सारे मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। और प्लीज उन चारों पोस्ट को देखो जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो अगर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो वो समझ में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो प्लीज देखो उन वीडियोस को भी और शेयर करो वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी द टेक्नोलॉजी गुरु।